हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मौली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत। आज का टॉपिक रियल स्टेट को हटके है, मेरे से लोग नाराज क्यों। मैंने ये लिखा है भाई, नाराज इसलिए लोग रहते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं वो, अपने जो पेरेंट्स हैं खास करके वो फ़ोन करते हैं कि सर आपके पास आके हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारे पास आपके पास आने के बाद आपका हमारा बच्चा जो हमारा कहना नहीं मान रहा, हमारी आज्ञा में नहीं रह रहा, तो मैं इस बात से क्या समझूं। मैं ये कहता हूं कि भाई ठीक है, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि भाई तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मान रहा, तो ठीक है ये मेरी गलती है भी, आपके बच्चे को आपका कहना मानना चाहिए। ये सभी सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपना मतलब अपना बच्चा अपना कहना जरूर मानना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं मान रहा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो मैं उनको क्या भेजता हूँ, मैं यार उनको सपने दिखाता हूँ सिर्फ कि भाई इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो, इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में रंग भर सकते हो, ज़िंदगी को रंगदार बना सकते हो। तो मैं ये उनको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं जी आपकी जो बातें हैं सारी बातें इमेजिनेशनल हैं, मतलब सारा टोटली इमेजिनेशन में चल रहा है, भी ऐसा होता नहीं। मैं इनको फिर ये कहता हूँ भाई जो आपके बच्चे अब कर रहे हैं, अब कौन सा उन्होंने कोई 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, मैं कम से कम उनको सपने दिखा रहा हूँ। सपने देख के बंदा फेल हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आगे फिर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जो जिस बंदे ने सपना ही नहीं देखना, जिस बंदे ने कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं, मिट्टी का माधव गोबर गणेश बन के पड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा। उससे तो बेटर ये है कि मेरे को वो सुनता है, मेरे को सुनने के बाद उसमें बदलाव आता है, वो अपने आप को बदलता है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। कुछ पेरेंट्स उसका साथ नहीं देते या कुछ पेरेंट्स उनका साथ देते हैं, जो पेरेंट्स साथ देते हैं तो वो अपनी मंजिल अचीव करने में लग जाता है, और थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मंजिल तो अचीव कर लेता है। भाई जो आदमी कुछ नहीं कर रहा, जो आदमी कर ही नहीं रहा कुछ, बच्चा जो कुछ कर नहीं रहा जिंदगी में, वो मतलब टोटली कंफ्यूज्ड है। यदि हमारे पास आके उसको क्लैरिटी मिलती है, उसके पास क्लैरिटी हो जाती है कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, कामयाबी मिलना ना मिलना वो बाद की बात है, लेकिन जब बच्चा ने पहले ही जीरो जीरो लेवल पे बैठा है, मेरे साथ बात करने के बाद उसके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा दूसरे एंगल से इसको लेती हैं। शमशेर सिंह हमारे वहाँ से हरियाणा में से आया था बंदा, तो वो बहुत नाराज होके गया मेरे साथ। मैंने कहा यार मैंने तेरे बेटे को क्या कह दिया ऐसा, तो कहता है जी आपकी बात मानता है, हमारी तो बात ही नहीं मानता वो। तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई आप भी कोई ऐसी बात करो जो उस बंदे बच्चे को बात अच्छी लगती हो। जब आपकी बात बच्चे को नहीं अच्छी लगती, मेरी कोई बात अच्छी लगती है, मैंने तो कुछ आपके बच्चों से तो कोई मेरा पर्सनल कोई लेना देना नहीं ना कि मैंने उनकी कोई कमाई खानी है या मेरा कोई उनसे लालच है या कोई और है। मैं तो सिर्फ लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं जगाने में कामयाब हो जाता हूँ तो ठीक है, जो सक्सेस रेट है वो कितना आगे जाता है कितना नहीं आता, लेकिन उससे तो बेटर है कि जो आदमी ने जिंदगी में कुछ किए ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, कम से कम हमारे पास आके बंदा सोचना तो शुरू कर देता है। और जब हम दिमाग में कोई चीज आ जाती है, सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो थॉट बिकम थिंग्स, जो अपनी रोंडा बैरन की किताब है द सीक्रेट, उसमें यही चीज लिखी गई है कि भाई जो आदमी अपने मन में विचार जो आते हैं वही उनकी लाइफ बनती है। तो मैं यही काम कर रहा हूँ कि लोगों के मन में थोड़े विचार लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो उसके विचार के ऊपर काम कर सकें, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकें, थोड़ी हार्ड वर्क कर सकें। हार्ड वर्क करने के बाद वो बच्चे आगे जाके अपनी ज़िंदगी में सेट हो सके। मैं सिर्फ सपने बेच रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा यार। सपने तो मैं कोई आपसे कुछ नहीं ले रहा, सपने बेच रहा हूँ। सपने बेचने में आपको पेरेंट्स को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी यार, मैं आपके को आपके लिए कोई कोई हल नहीं कर सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी अपने बच्चों में थिंकिंग हैबिट्स डेवलप हो जाएं उससे बढ़िया कोई काम नहीं।
यदि हमारे बच्चों में थिंकिंग हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं। मत्था टेकने वाले तो बहुत हैं, मत्था मारने वाले, चिंतन करने वाले, मंथन करने वाले, उसको हर चीज़ को एनालिसिस करने वाले हमें बच्चे चाहिए। यदि हम अपनी नेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने देश को आगे लेना चाहते हैं, तो हम अपने उसमें काम में, किसी भी काम में हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा हो सकता हमें बेवकूफ़ बना के चला जाए और हमारा नुकसान करके चले जाए। सर, मेरा यही मैसेज है कि जो दोस्त, जो पेरेंट्स मेरे से नाराज़ हैं, वो मेरे से नाराज़गी थोड़ी कम कर लो। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि आपके बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं जो पुराना सिस्टम है, रट सिस्टम है, उसको तोड़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।